दोस्तों, ये जो आपको दिख रहा ना, यही है खेसारी लाल जी का घर। मैं आपको दिखाने के लिए आया हूँ और आप देख सकते हैं, मैं अंदर से दिखा रहा हूँ। ये गेट ना खेसारी लाल जी का घर का गेट है। फिलहाल अभी जहाँ पे हो ना, देख सकते हैं, ये मीरा रोड स्टेशन। में थोड़ा आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये है मीरा रोड स्टेशन। यहाँ से चलेंगे आपको, और अभी दोस्तों मैं मीरा रोड स्टेशन में बैठा हूँ, और यहाँ से अभी चलेंगे भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल जी का घर। आपको दिखाएंगे कि मीरा रोड में कहाँ पर है। तो अभी आप देख सकते हैं, मैं मीरा रोड स्टेशन में हूँ, और यहाँ से अभी चलेंगे उसका घर, आपको दिखाएंगे कि कहाँ पर है। तो फाइनली दोस्तों, मैं पहुंच गया हूँ मीरा रोड स्टेशन। आप देख सकते हैं मेरे सामने में, ये है मीरा रोड स्टेशन, और मीरा रोड स्टेशन के बाहर में हूँ। और अभी हम चलेंगे आपको भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव का घर दिखाने के लिए। आपको जाएंगे और वहाँ का पूरा आपको ब्लॉग दिखाएंगे कि उसका घर कैसा दिखता है, उसका घर जाने का रास्ता किधर से, वो मैं पूरा आपको आज ब्लॉग में दिखाऊंगा। फिलहाल मैं मीरा रोड स्टेशन में हूँ, आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा आई लव मीरा रोड, ये देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको ना, ये पब्लिक ब्रिज है, ये फ्लाई ओवर, इसके नीचे, और यहाँ पे ऑटो मिलती है। आप यहाँ से ऑटो पकड़ के आप जा सकते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ना बाहर का एरिया, मैं थोड़ा आपको इस तरह से दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं मीरा रोड रेलवे स्टेशन है, और स्टेशन से यहाँ से आपको उसका घर जाने के लिए नज़दीक पड़ेगा। ये देख सकते हैं यहाँ शहीद मेजर कस्तूर यहाँ पर लेके हैं, और देख सकते हैं AK-47 है, और हाथ में तिरंगा झंडा भी लेके रखे हैं। और ये यहाँ पर दर्शाया गया, और ये मीरा रोड स्टेशन का ना बाहर का एरिया, मैं अभी आपको बाहर का एरिया दिखा रहा हूँ। देख सकते हैं वहाँ पे सवेरा गेस्ट हाउस है, और ये जो आपको दिख रहा है ना, पूरा मीरा रोड है। और यहाँ से अभी हम चलेंगे, आपको दिखाएंगे खेसारी लाल यादव का घर कैसा दिखता है। तो वीडियो बने रहे कंटिन्यू, और वीडियो पसंद वीडियो को लाइक करना, और चैनल नए चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए दोस्तों, मैं पहुँच गया हूँ जहाँ पे ना खेसारी लाल जी का घर है ना, उसके सामने पहुँच गया हूँ। मैं देख सकते हैं मैं अभी इस जगह पे हूँ, और यहाँ पे आपको ना एक चीज़ आपको देखने को मिलेगा, ये मंदिर। मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ यहाँ पे आपको जूम करके। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये मंदिर आपको देखने को मिलेगा, और इससे आपको आगे जाना है। आपको आगे जाना है, और आपको यहाँ पे आगे ना आपको एक श्री राधे हरे हरे चौक मिलेगा, वो चौक से आपको अंदर जाना है। ये देख सकते हैं यहाँ पे एक मंदिर देखने को मिलेगा, फिर आपको ना ये भाजी मार्केट दिखेगा, और यहाँ पे एक गार्डन दिखेगा, और इससे आपको आगे जाना है। आगे जाना है आपको, और आगे आपको देखने को मिलेगा वो श्री राधे हरे हरे चौक। वो चौक मैं आपको दिखाता हूँ, और वहाँ से आपको लेफ्ट मुड़ना है। तो मैं पूरा आज आपको दिखाऊंगा कि खेसारी लाल जी का घर कहाँ पे है, और उसका घर कैसे दिखता है, वो मैं पूरा आज ब्लॉग में दिखाऊंगा। आप अभी देख सकते हैं मैं रास्ते में हूँ, और ये देख सकते हैं इधर आपको, ये देख सकते हैं गार्डन है ना, गार्डन के पीछे में उसका घर है। लेकिन वहाँ घर, उसके घर के साइड जाने के लिए आपको वो चौक दिख रहा है ना, वो चौक से आपको इधर जाना पड़ेगा। तो अभी चलते हैं चौक, और चौक से जाके आपको दिखाते हैं पूरा। आज मैं आपको पूरा दिखाऊंगा खेसारी लाल जी का घर कैसा दिखता है ना दोस्तों। ये चौक आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है श्री हरि राधे राधे चौक। ये चौक से आपको सीधा जाना है, और सीधा जाना है मिनाज अंसारी ब्लॉक, मिनाज अंसारी ब्लॉक। एडिट मत करना। क्यों? डाल दूंगा ना, एडिट नहीं करूंगा, एडिट करके डाल दूंगा। तुम लोग टेंशन मत लो। नाम बता दो, आपका नाम क्या? विशाल। आपका विजय। आपका नाम क्या? पढ़ाई करते हो आप लोग? पढ़ाई करते हो? कौन से क्लास में पढ़ते हो? सारे एट। आप दोनों एट है? आप दोनों सेवन? चलो ठीक है। यहाँ पे ना मुझे कुछ बच्चे वगैरह मिल गए थे, तो उन लोग बोलने लगे कि वीडियो में डाल देना, तो मैं डाल दूंगा, और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ जो खेसारी लाल जी का घर है ना, वो कैसा दिखता है, मैं आपको पूरा ब्लॉग में दिखाता हूँ। ये सामने आप देख सकते हैं, ये गार्डन है, और गार्डन के बाहर में ही उसका घर है दोस्तों। ये ही है उसका जो घर है ना, ये आपको मैं दिखाता हूँ, इसी जगह पर उसका घर मौजूद है। तो मैं आपको पूरा दिखाता हूँ कि वो घर आने जाने का ना रास्ता, कि उसके घर के सामने में क्या क्या पड़ती है, तो वो मैं आपको पूरा दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे आओगे ना, तो आपको ये चीज़ देखने पड़ेगा, देखने को मिलेगा, जो ये देख सकते हैं गेट है ना, लिखा है हिया रेसिडेंसी, ये आपको देखने को मिलेगा। और इसके सामने में ना, इसके बगल में ये देख सकते हैं, ये है ना हिया, और इसके घर के सामने में ये आपको दिखाता हूँ। ये जो दिख रहा ना आपको, ये गेट, ये सामने वाली गेट, ये है खेसारी लाल जी का घर का गेट। अभी चलेंगे अंदर, और अंदर में क्या क्या है वो मैं आपको पूरा जाके दिखाता हूँ, कि क्या है इसकी घर का प्राइस, क्या है, कैसा दिखता है, वो मैं पूरा आपको अंदर जाके दिखाता हूँ।
दोस्तों ये जो आपको दिख रहा ना यही है खेसारी लाल जी का घर, मैं आपको दिखाने के लिए आया हूँ। और आप देख सकते हैं मैं अंदर से दिखा रहा हूँ, ये गेट ना खेसारी लाल जी का घर का गेट है। और खेसारी लाल जी का घर का 3 मंजिल बिल्डिंग है और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ गेट से। देख सकते हैं यहाँ पे खेसारी लाल जी का कार खड़ी है जो फॉर्चूनर है। और ये घर का जो डिज़ाइन वगैरह बालकोनी काफ़ी खूबसूरत देखने को मिल रहा। और ये छोटा सा गार्डन है इस घर का। और यहाँ जो कार है ना, कार खड़ी है जहाँ पे, उसके बगल में थोड़ा सा बैठने वगैरह का जगह है जहाँ पे खेसारी लाल जी अपने रिश्तेदार वगैरह दोस्तों वगैरह से बैठ के बातें वगैरह करते हैं। तो यही एक घर है जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, खेसारी लाल जी का घर है। तो फाइनली दोस्तों मैं खेसारी लाल जी का घर का जो गेट है ना उसके सामने बाहर में खड़ा हूँ। और यहाँ से मैंने आपको पूरा उसका घर का एरिया दिखाया कि वो घर आप कैसे आ सकते हो, किधर से आ सकते हो, मैंने पूरा ब्लॉग आपको दिखाया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और ये भोजपुरी के ना सबसे सुपर स्टार हीरो खेसारी लाल जी है, तो मैं उसी का जो घर का गेट है ना, घर के गेट के सामने खड़ा हूँ। यहाँ पे 2 गेट है तो मैं पहला वाली गेट पे हूँ रोड पे भी। और यहाँ से मैंने आपको पूरा वीडियो दिखाया, जाके दिखाया, घर के अंदर का भी दिखाया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय एंड जय हिंद जय भारत।